बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू व्हाट शैल आई कुक। आज हम बनाएंगे बैंगन का भरता। और उसके लिए ली है हमने 400 ग्राम बैंगन, 4 मीडियम साइज के टमाटर, 1 मीडियम साइज की प्याज, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक क्रश, 2 हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया, क्वार्टर कप कुकिंग ऑयल, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, क्वार्टर टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून सूखा धनिया क्रश, हाफ टी स्पून जीरा क्रश, हाफ टी स्पून सूखी मेथी, क्वार्टर टी स्पून हींग, हाफ टी स्पून जीरा, 1 साबुत सुर्ख मिर्च। कढ़ाई में डालेंगे हम कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे बैंगन। टमाटर, मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें शैलोट फ्राई करेंगे। एक साइड से 3 से 4 मिनट पकने के बाद आप इनकी साइड चेंज करें। और इसे कवर करके 10 से 12 मिनट के लिए हम इन्हें शेल्फ फ्राई करेंगे। कवर करने से बैंगन अंदर से जल्दी गल जाएंगे। तकरीबन 12 मिनट बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। आप इसे बीच बीच में भी कवर हटाकर इसकी बस साइड चेंज कर लें। बैंगन और टमाटर शेल्फ फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इन्हें निकाल कर थोड़ा ठंडा करने के बाद हम टमाटरों का छिलका रिमूव कर लेंगे। थोड़ा ठंडा करने के बाद हम बैंगन की ये डंडी उतार लेंगे। और छुरी की मदद से हम बैंगनों को चॉप कर लेंगे। टमाटरों का छिलका उतार लें और इन्हें भी इसके साथ चॉप कर लें। थ्री टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे मसाला बनाने के लिए। तेल गर्म होने के बाद इसमें डालें जीरा। सिर्फ मिर्च, हींग डालें इसमें। इन सब चीजों को थोड़ी देर के लिए तेल में फ्राई करें। फिर उसके बाद डालेंगे इसमें प्याज। प्याज को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। फिर इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक क्रश। फिर इसे भी इसके साथ फ्राई कर लें। अदरक और लहसुन को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे ये तमाम मसाले। इनको भी इनमें अच्छी तरह मिक्स कर लें। मसालों को मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनेंगे। ऑयल सेपरेट होने तक मसाले को भून लें।
मसाले को अच्छी तरह भूनने के बाद अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये चॉप किए हुए टमाटर और बैंगन। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए पकाएं। चार से पाँच मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, धनिया, इनको भी मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बैंगन का भरता रेडी है। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए।